बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तैयारी कर लें बारिशों के लंबे शदीद और तूफ़ानी सिलसिलों के लिए, जो कि आज शाम रात से 25-26 मार्च के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब के तमाम इलाकों, कराची समेत सिंध भर और क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल का सबब बनेंगे। तफसीलात के मुताबिक आज मनी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पटवार, अटक, चकवाल, झेलम समेत बहराई और बस्ती पंजाब, क्वेटा, चमन, ज़ियारत पेशीन, तुरबत, पंचगोर और मलहिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, जबकि आने वाले दिनों में बारिशों के फैलाव में मजीद इजाफा होगा और ये फैल कर गरज चमक के तूफान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत बलोचिस्तान और सिंध के भी बेशतर इलाकों में फैल जाएंगे। 25-26 मार्च तक मुल्क में दो शदीद सिलसिले दाखिल होंगे, जिनकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के तमाम 100% इलाकों, क्वेटा समेत बलोचिस्तान के 100% इलाकों, कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत सिंध के बेशतर इलाकों और पंजाब के बालाई, वस्ती और जनूबी पंजाब में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिशों, बाज़ मकामात पर शदीद आसमानी बिजलियाँ गिरने और जालाबारी का भी इम्कान है, जिसकी वजह से खड़ी फसलों को नुकसान का अंदेशा भी है। बालाई इलाकों में तो बारिश की मकदार 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है, जबकि बाज़ वस्ती और जनूबी इलाकों में भी बादल फटने और शदीद मौसमी सूरतेहाल पैदा होने का इम्कान। शदीद जालाबारी की वजह से तैयार खड़ी फसलों और बागात को नुकसान का अंदेशा है। अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।